हे जे आहेत दोन लूप तुमचे एक्झिक्यूट होतील, रन होतील, ठीक है? ये वाला जो लूप है ये एग्जीक्यूट होगा। रिद्धि आपको कोई डाउट है इसमें, ये लूप के बारे में, दोनों लूप के बारे में? नो ओके ओके, याद रखिए, जब तक ये पूरा लूप खत्म नहीं होगा तब तक ये वाला लूप स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन जो रहेगा इसी को खत्म करने में लगेगा। जब ये स्टॉप होगा, पूरा प्रिंटिंग होगा, तब जाके ये वाला एग्जीक्यूट होगा। चलो, आपने बहुत सही से आंसर दिया। अब अगर ये सेम लूप मैं कट करके यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ, तो इसे कहते एक लूप दूसरे लूप के अंदर होता है, तो उसे कहा जाता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, क्या ये डेफिनेशन आपको समझ में आई? कब हम नेस्टेड लूप कहेंगे? जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है तब। और मैंने आपको बोला था कि ये बोला था कि जब तक ये लूप खत्म नहीं होगा, तो ये वाला मुझे अंदाजा लगा के बताओ कि ये जो लूप है ये अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा और बाहर वाला लूप जो है कितनी बार चलेगा। तुमको मैं 30 सेकेंड्स देता हूँ। 30 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट नाउ। वो 3 3 टाइम्स ओके, और कोई दे सकता है इसका आंसर? इसका आंसर बोथ 3 3 टाइम्स? कोई और? गाइज कम ऑन, मोहिनी, आशीष, श्रीकांत। अंदर का 3 टाइम्स, अंदर का 3 टाइम, बाहर का? यस सर, 3 टाइम। 3 टाइम, चलो ठीक है भाई, आपने बोला है, अभी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और आप लोग बताओ कि ये कितने बार चलेगा और क्यों चलेगा उतने टाइम। मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसका रीजन, देखते हैं अभी। सॉरी, इट विल डिपेंड ऑन कंडीशन नो इफ फर्स्ट लूप विल नॉट देन चलो देख लेते हैं अभी गाइस, नो वरीज। मेरा आईजे भी यहाँ पे ओपन है, मैं यहाँ पे आईजे का स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये इंटरव्यू वाला पार्ट है, बाकी की बैच इंटरव्यू वाले पे है ना। प्रोजेक्ट चेंज करता हूँ, रिसेंट JBPL 09 आपकी बैच है। यहाँ पे क्लास बनाता हूँ मैं, क्लास नेस्टेड लूप। हाँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ मेन मेथड, एंड जस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी इट। कर दूं रन? ओके ओके, यहाँ पे भी आए हैं, यहाँ पे भी आए हैं, तो मैं दो बार नहीं ले सकता, इसलिए मैं इसे जे में कन्वर्ट कर देता हूँ, J++। आउटपुट देखो और मुझे बताओ कि अंदर वाला लूप कितनी बार चला। ओके, मैं आपको काउंट करने की भी मेहनत नहीं लगने दूंगा, यहाँ पे जस्ट मैं जे की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे आई की वैल्यू भी प्रिंट कर देते हैं, और अभी करते हैं इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट। काउंट करके बताओ कितने बार चला, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ,
लूप टू कितने बार चला? 9 times. ये देखो, ये 3 times, ये 3 times, और ये जो है ये 3 times है. इनर लूप कितने बार चला रिद्धि? 9 times. ओके, तो हमें सबसे पहले ये समझ लेना है हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे. ये समझने के बाद आप कोई भी लूप जो है या पैटर्न जो है आप बना सकोगे. एनी पैटर्न यू विल बी एबल टू ड्रॉ. आपका खुद का नाम भी लिख सकते हो रिद्धि यूजिंग द पैटर्न ओनली. स्टार स्टार से आप कर सकते हो. ओके, देन हाउ. तो इसे हम लोगों को समझना होगा कि कैसे हम लोग इसे करेंगे. अब तो ये जो लॉजिक है ये अभी हम देखना है और समझना है कि क्या करना है हमें. ठीक है, सो चलो आई जे, आई को और जे को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और आई के बदले में इसे यहाँ पे लिखता हूँ रो एंड कॉलम का सिनेरियो. ठीक है, तो वैसे वन बाय वन हम लोग डिबग करके समझेंगे. मेरी एक पेंट की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है क्या? सॉरी, पेंट ओपन नहीं है शायद से. पेंट, चलो आधा स्क्रीन दिखता है आपको. दिख रही है स्क्रीन? यस. हाँ, तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक एकदम सिंपल वाला कर देता हूँ यार, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 2 2 3 3 4 4 4 5. ये एक पैटर्न है, 5 5 5. ठीक है, 6 6 6 6. हाँ, अभी मुझे बताओ यहाँ पे आप लोग कि इसमें रो जो होती है हॉरिजॉन्टल रो होती है, रो कितनी आपको दिखाई दे रही है? ये 1 रो, ये 2 रो, ये 3 रो, ये 4 रो, ये 5 रो और ये 6 रो आपको दिखाई दे रही है. कितनी रोज दिखाई दे रही है टोटल? 6 6 रो. ओके, पहले रो में कितना कॉलम दिखाई दे रहा है? ये फर्स्ट रो है आपकी. मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. ये आपकी फर्स्ट रो है, तो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 1. ओके, देन सेकंड रो में कितने कॉलम है? 2. थर्ड में कितने कॉलम है? 3. यस. आपको रो और कॉलम का समझ में आया आपको थोड़ा सा लॉजिक कि रो है कॉलम है, रो है कॉलम है, मतलब फर्स्ट रो. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम लूप जो मैंने अभी लिया था वही ले रहा हूं मैं. जस्ट वेरिएबल के नाम जो चेंज कर रहा हूँ. रो की शुरुआत जो है 0 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आपकी मर्जी. रो की शुरुआत 0 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं. रो मेरी चलेगी 3 एंड रो प्लस प्लस. टोटल रो, नंबर ऑफ रो कितनी प्रिंट होंगी मेरी? नंबर ऑफ रो कितनी प्रिंट होगी मेरी? 3 6. नहीं नहीं, अभी तो 3 है ना, 0 से लेकर 3 तक. तो मैं 1 से लेकर 3 तक, यानी 3 ही होगा ये. ठीक है, मैं ये रो प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, साउट रो. ठीक है, इसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. देखो ये रो प्रिंट नहीं करता, प्रिंट करता हूँ सेम लाइन के लिए. रो रो रो. अभी रो के बदले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार. सेव करके रन कर देते हैं. देखो दिखाई दे रहा है आपको, मैं थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ.
ये देखो थोड़ा सा स्पेस भी दे दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूं, इसमें रो का तो मेरा हो गया, अभी मुझे कॉलम जो है कॉलम प्रिंट करना है। INT कॉलम इक्वल टू वन, कॉलम लेस देन इक्वल टू थ्री, एंड कॉलम प्लस प्लस साउट और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ये वाला। तो चलो यहाँ पे मैं इसे छोड़ देता हूँ और इसके नीचे करता हूँ मैं साउट प्रिंट एलन, ओनली प्रिंट एलन, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये देखो तो आपकी रो कितनी प्रिंट होगी अभी यहाँ पे बताओ मुझे, नंबर ऑफ रो कितनी चलेगी ये, थ्री और ईच रो में नंबर ऑफ कॉलम कितनी बार चलेंगे? थ्री एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखो। सर कॉलम लेस देन और इक्वल टू रो आएगा ना? नहीं, वो देख लेंगे हम लोग, देख लेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट मिनट, मैं दिखा देता हूँ। ये प्रिंट एलन था इसलिए के नीचे का आया, मैंने इसे प्रिंट किया एक सिंगल लाइन में। ठीक है, देखो इसे नंबर ऑफ रो कितनी प्रिंट हो गई। आशीष श्रीकांत फाइव आता जर का मी ते 5 केला तर किती होतील नंबर ऑफ रो? नंबर ऑफ कॉलम किती प्रिंट होतील एका रो मध्ये? थ्री बाहेरचा लूप जो आहे तो काय करतो, रो प्रिंट करतो। एज ऑफ नाउ समजून घ्या, थोडंसं अवघड वाटेल तुम्हाला, एज ऑफ नाउ समजून घ्या। पहले आप लोग थोड़ा सा धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं समझ में आएगा आपको, नेक्स्ट सेशन में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, दैट्स फाइन, बट बी विथ मी, नेक्स्ट सेशन से आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 कॉलम करूंगा तो क्या होगा? अभी बताओ, 5 रोज 5 कॉलम। एग्जीक्यूट किया चेक करो, बराबर 5 रोज 5 कॉलम आ रहा है गाइस? यस सर। ओके, अब मैं ना क्या करता हूँ, लेकिन मेरे को एक्चुअल पैटर्न कैसा चाहिए? हाँ, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे स्टार आपने प्रिंट किया है, ठीक है भाई, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हो। आपको पैटर्न जो मतलब होता है रो कॉलम से मतलब होता है, वैल्यू क्या प्रिंट कर रहे हो दैट इज नॉट माइन। अगर मैं यहाँ पे कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ तो आप देखो आउटपुट क्या दिखेगा, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। कॉलम की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या दिखाई देगा, देखो क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे मैं रो की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो ये क्या दिखेगा, एक बार चेक कर लो। लेकिन हमें पैटर्न कैसा चाहिए आप मुझे बताओ। मैंने क्या बताया था, पहले रो में कॉलम कितना होना चाहिए, दूसरे रो में? ओके, तो गाइस अभी छोटा सा लॉजिक, मेरा रो कॉलम जो प्रिंटिंग हो रहा है हमेशा कितना हो रहा है, हमेशा कितना प्रिंट हो रहा है? 5। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया, 5 दिया। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि जितनी रो की वैल्यू है उतना प्रिंट कर, चलो मैं यहाँ पे रो की जगह पे थोड़ा सा स्पेस लेके स्टार कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट करते हैं, मजे देखते हैं इसका। अभी शुरुआत में मैं यहाँ पे डिबगर लगा रहा हूँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखो डिबगर लगाया मैंने, डिबग किया, डिबग। स्टार्ट करेंगे,
अभी रो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मुझे बताओ, रो की वैल्यू कितनी है? वन. हाँ तो नंबर ऑफ टाइम ये इंटर इनलाइन लूप कितनी बार चलेगा? वन. यस वन. तो ठीक है नीचे आ गया, प्रिंट कर दिया, वन टाइम आ गया बराबर. ठीक है फिर उसके बाद नीचे आया, वो लूप खत्म हो गया. चलो नीचे के लाइन पे आया, वापस से ऊपर वाले लूप में गया. अभी रो की वैल्यू कितनी है आपकी? टू. तो ये इनलाइन लूप कितने बार चलेगा? ये देखो यहाँ पे टू. ये यहाँ पे देखो कंसोल में वो प्रिंट भी हो रहा है. अभी रो की वैल्यू क्या हो गई आपकी मुझे बताओ? थ्री. थ्री. तो ये इनलाइन लूप कितने बार चलेगा? थ्री टाइम. अभी रो की वैल्यू क्या है? फोर. तो ये कितने बार चलेगा इनलाइन लूप, इनर लूप? फोर टाइम. चलो सही तो बता रहे भाई, कॉन्फिडेंस रहो, यू आर डूइंग करेक्ट, सो बी कॉन्फिडेंस. ठीक है अब आपकी रो की वैल्यू क्या है? फाइव. तो ये कितने बार चलेगा? फाइव. श्रीकांत, आशीष, हाँ आप मुझे बताओ ये रो की वैल्यू अभी मैं अगर आगे चलूंगा तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप से बाहर आ जाएगा, खत्म. दैट्स इट, ये प्रोग्राम आपका एंड हो गया. देखो फिर आप यहाँ पे स्टार प्रिंट करो, कॉलम की वैल्यू प्रिंट करो. मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ, आप डिबग करके चेक कर लेना एक बार. थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसलिए थोड़ा स्पेस दे देता हूँ दोनों के बीच में, तो आपको दिखाई देगा. एक ही प्रोग्राम है, मेरे को देखना है कि नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कैसे प्रिंट करने हैं. चेक करो, देखो अभी क्या प्रिंट हुआ, वन वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव. अगर मैं यहाँ पे रो को कर देता हूँ तो भी आपका वही पैटर्न, मतलब वैल्यू क्या प्रिंट कर रहे हो दैट इज नॉट माइन, आप कैसे पैटर्न कर रहे हो वो माइंड रखेगा इसको. देखो एक ही प्रोग्राम में आपने अलग अलग तरह के तीन प्रोग्राम, तीन पैटर्न को प्रिंट किया है आपने. और तीन बताओ आपको, डू यू वॉन्ट टू सी वन मोर? आपको और तीन पैटर्न बता नहीं इसी प्रोग्राम के अंदर? सॉरी yes, sir. यही प्रोग्राम रहेगा आपका, यही, मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा. मैं उल्टा सिर्फ ये बाहर वाला लूप चलाऊंगा फाइव टाइम, रिवर्स कर दूंगा इस लूप को मैं, देन दिस विल एग्जीक्यूट टिल द वन. देखो मैंने जस्ट इतना चेंज किया तो क्या दिखाई देगा आपको, देखो कम ऑन, ओह इनफिनाइट तक चला गया. सॉरी गाइस मेरा एक छोटा सा काम करना बाकी था, माइनस माइनस यहाँ पे लिखना था क्योंकि मुझे नेगेटिव रिवर्स लूप चलाना था. चलो वन, क्या आया यहाँ पे पैटर्न? देखो अगर यहाँ पे कॉलम, ये चौथा, ये पांचवा पैटर्न अभी जो मैंने कॉलम प्रिंट करूंगा. और सिक्स्थ वन इज दिस, इसे मैं हटा देता हूं. है पैटर्न सिंगल प्रोग्राम के अंदर.
छह पैटर्न छह प्रोग्राम के अंदर आपके आ गए।